विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं। कांग्रेस की मंशा प्रियंका गांधी के जरिए प्रदेश की महिला मतदाताओं को साधना की है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की जन आक्रोश यात्राओं में समापन के मौके पर 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी के मिश्रा ने रविवार को मीडिया को बताया कि प्रदेश के 7 स्थानों से जन आक्रोश यात्रा की गई थी। जन आक्रोश यात्राओं ने पिछले 6 दिनों में यात्रा कार्यक्रम का लगभग 40% हिस्सा कवर कर लिया है। के मिश्रा ने कहा कि इन यात्राओं के समापन पर 5 अक्टूबर को धार जिले के मोहनखेड़ा में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रैली को संबोधित करेंगी। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने 3 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने 19 सितंबर को जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। कांग्रेस अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार और बढ़ती महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस की यात्रा कुल 15 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए लगभग 11,400 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 5,40,00,000 मतदाता है। इस बार प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव में आधे से अधिक संख्या महिला मतदाताओं की है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस दोनों की नजर महिला मतदाताओं पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपीट सरकार बनाने का दावा करते हुए अलग अलग मंचों से महिला समर्थक योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, जिनमें से लाडली बहना योजना एक है। कांग्रेस ने भी महिला मतदाताओं को साधने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक चुनाव से पहले हर 2 से 3 दिन वे प्रदेश में 2 से 3 सभाएं कर महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश भी करेंगी। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।